Students, this is Gulwinda ma'am here. Welcome again in our SST class of standard 5th. Dear students, in last video we discussed about Bimbedkar Rock shelters, life of early man, different types of shelters on the basis of a landform. Now we are going to read and discuss about earthquake prone areas and other subtopics. Earthquake prone areas where earthquakes are very common. कहाँ पे सबसे ज्यादा common होते हैं? जापान. कहाँ पे है? जापान पर. The houses are built with bamboo and wood. Bamboo and wood. So that whatever damage has occurred, it is minimized and also rebuilt such type of houses very easily. Damage, underline the word damage and write the meaning loss. कहते हैं जब भी कोई loss होता है किसी भी reason से earthquake prone area से, तो वहाँ पे जो घर बने होते हैं उनको rebuild करना बहुत easy होता है, not very difficult. Now we will discuss another topic which is community living. Community living. As you all are know, we are living in society, and community living teaches us for care, share facilities like water, electricity, roads, market, etc. We need help in case of any disaster or trauma or losing a home or getting injured. कहते कि हम कम्युनिटी लिविंग हमारी हेल्प करती है जब हमें ज़रूरत होती है किसी भी डिसास्टर के रीज़न से, किसी भी ट्रॉमा. ट्रॉमा मीन्स कोई डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस हो कोई भी, उसके बारे में. अ गुड नेबरहुड पुलिस स्टेशन प्रोवाइड हेल्प एंड सिक्योरिटी. वी ऑल्सो नीड सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल, एम्बुलेंस एंड डॉक्टर टू प्रोवाइड फर्स्ट एड. तो नेबरहुड जो पुलिस स्टेशन होते हैं वो लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें सिक्योरिटी भी देते हैं जब भी उन्हें किसी भी टाइम ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है शेयरिंग स्पेस विद नेबर्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि शेयरिंग एंड केयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ यूर लाइफ अनलेस यूर नेबर्स लाइफ इम्प्रूव. दोज हु वांट हैप्पीनेस मस्ट हेल्प अदर्स टू फाइंड हैप्पीनेस. तो जो लोग खुश रहना चाहते हैं वो दूसरों को में भी काम करने में उनकी अपनी खुशी महसूस करते हैं. द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी मेम्बर ऑफ द सोसाइटी इज नेसेसरी. तो कम्युनिटी लिविंग टीचेस अस इम्पॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इट क्रिएट हैप्पी, सेफ एंड कम्फर्टेबल नेबरहुड. कम्फर्टेबल, राइट द मीनिंग. कम्फर्टेबल, feeling good. Next topic is, now here is, do you know which talks about neighborhood watch plan? Neighborhood watch plan kya hai? Is a organizing group of people devoted to prevent crime. Okay, any suspicious, underline the word suspicious, write the meaning doubtful, character or activity in the locality must be reported by neighbors. कोई भी एक्टिविटी जिस पर किसी को डाउट हो, कोई भी ऐसा एक्टिविटी अगर आपकी लोकेलिटी में होती है तो उसकी रिपोर्ट करनी होती है. तो नेबरहुड वॉच प्लान क्या है? वंडरफुल वे ऑफ क्राइम प्रिवेंशन. क्राइम प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मीनिंग सेफ. एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ रेजिडेंट्स स्पेशली द एल्डरी मेम्बर्स एंड द चिल्ड्रन. तो नेबरहुड वॉच प्लान का क्या काम है कि वो सभी की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं जितने भी रेजिडेंस उस कॉलोनी में रहते हैं, और स्पेशली जो एल्डर मेंबर हैं फैमिली के और बच्चों की. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज केयरिंग और आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ गुड नेबरहुड. What are the different responsibilities and ways in which we have to behave so that become a good neighbors?
Most people keep their own homes neat and tidy from inside, but do not hesitate, underline the word hesitate, to throw the garbage on the streets. तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गली में कचरा फेंकने से हेजिटेट नहीं करते, लेकिन अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखते हैं. Imagine the condition of streets. If everyone acted in this manner, we must keep the same cleanliness standard for the surrounding that we keep for our houses. A clean neighborhood does not have garbage heaps, flies, mosquitoes and unpleasant smells. कहते हैं कि अगर सभी अपने घर का कचरा जो है, गार्बेज जो है, स्ट्रीट्स में, गलियों में फेंकना शुरू कर देंगे, तो आप इमेजिन करो कि क्या कंडीशन होगी इन स्ट्रीट्स की जिनमें से हम डेली निकलते हैं. तो जो एक अच्छा नेबरहुड होता है वो कभी भी गार्बेज के ढेर नहीं लगने देगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि मक्खियाँ, मच्छर और गंदी स्मेल आती है. नाउ एज ए गुड नेबरहुड, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि इन विच वी बिहेव सो दैट बिकम अ गुड नेबरहुड. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? वी शुड कीप द वॉल्यूम ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न लो, स्पेशली एट नाइट. हमें अपने रेडियो का, टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है, स्पेशली रात को कम रखना चाहिए. वी शुड नॉट यूज़ नॉइसी इक्विपमेंट्स, मशीनरी, कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर. तो जो आवाज़ करने वाले इक्विपमेंट्स हैं उनको रात को नहीं चलाना चाहिए. थर्ड है, वी मस्ट इन्फॉर्म आवर नेबर्स इन एडवांस इफ वी आर हैविंग अ पार्टी. वी कैन आल्सो ऑर्गेनाइज ए कारपूल विद नेबर्स एंड शेयर द पार्किंग स्पेस पीसफुली. अगर हम घर पर कोई भी फंक्शन कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सबसे पहले अपने नेबर्स को इन्फॉर्म करें, क्योंकि जो भी हमारे घर पर गेस्ट आएंगे फंक्शन के लिए, तो उनकी कार की पार्किंग जो करनी है वो पीसफुली हो सके. ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ एन एमरजेंसी. तो एमरजेंसी के टाइम हमेशा अपने नेबर्स की हेल्प करने के लिए रेडी रहना चाहिए. यहाँ एक बहुत अच्छा डू यू नो में है, लाइक ह्यूमन बींग्स ants and bees also live in colonies like this. क्योंकि जैसे ह्यूमन बींग्स एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो वैसे ही जो बीज हैं, ants and bees हैं, वो भी एक कॉलोनी में रहती हैं और दे वर्क कलेक्टिवली. तो एक वो इकट्ठे काम करते हैं, तो लेकिन अपने काम को बांट लेते हैं मेल और फीमेल में, और जो उनकी रानी मक्खी होती है उसके बीच में. तो ये थे बच्चे आपके टॉपिक्स. लेट अस डिस्कस द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट है द नंबर ऑफ अम्बेडकर रॉक शेल्टर्स इज कितनी है? 700, 900, 7000. ठीक है. तो नेक्स्ट है बैम्बू एंड वुड houses are found in plain area, desert area and earthquake prone areas. अभी हमने discuss किया है. The earliest form of shelter for men were huts, caves and water bodies. Caves. Flat roofs houses are found in region of high temperature, low temperature, polar region, high temperature. The volume of radio or television at night should be kept. रेडियो और टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है अभी, वो हमें रात को कम रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए? तो क्या रखना चाहिए? कम, लो. ठीक है. तो नेक्स्ट है हमारा फिलिप्स, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द गिवन हेल्प बॉक्स. फर्स्ट है वी लिव इन सोसाइटी बिकॉज वी आर डैश ऑन अनदर फॉर फुलफिलमेंट अवर नीड्स. कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं क्योंकि हम अपनी जो ज़रूरतें हैं एक दूसरे से पूरा करते हैं. तो क्या आएगा? डिपेंडेंट. हाउसेज इन हिली एरियाज हैव डैश रूप्स. कैसी रूप्स होती हैं जो हाउसेज हिली एरिया पे बने होते हैं? स्लोपिंग. स्टिल्ट हाउसेज प्रोटेक्ट द
dash from wild animal inhabitants. You can organize dash pool with neighbors, carpool. In cities, flats are common because dash land and many people. क्या आएगा? Limited. Next is true or false. First, huts were the earliest form of man-made shelter. तो earliest form क्या थी man-made shelter की? Caves. तो ये क्या हुआ? Wrong. Bambedkar rock shelters are 9,000 years. It's true. The houses in the hilly areas have flat roofs. अभी हमने Phillips में discuss किया है कि कौन सी roof होती हैं उनकी? Sloping. तो ये wrong. We must never help our neighbors in case of emergency. No, अभी हमने किया है कि हमें हमेशा अपने neighbors की help करनी चाहिए. तो it means ये क्या है? Wrong. ये कहता है कि नहीं करनी चाहिए. Most people do not hesitate to throw garbage on streets. Definitely wrong होगा. Sorry, right है. Wrong नहीं है, right है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो hesitate नहीं करते. जब भी कचरा गली में फेंकना होता है सभी फेंक देते हैं. अभी हमने डिस्कस किया था. तो ये हुआ राइट. तो ये थे बच्चों अपना बुक वर्क एंड चैप्टर की रीडिंग टॉपिक्स. ठीक है, तो आपने अच्छे से बुक वर्क को लर्न रीड करना है और बुक वर्क को लर्न भी करना है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.